उन्होंने कुबेर के साथ युद्ध किया और कुबेर को हराकर लंका रावण ने अपने पास ली। देखो ये रावण की स्थापित की हुई थी, रावण ने कुबेर से इस लंका को अपने पास ले लिया। ऐसे ही रावण, हाँ आपने देखा कि ऐसे ही रावण ने इन सारी चीजों को करने के बाद भी रावण जब बैठा था तो एक बार आकाश से गुजर रहा था, उसके रावण की लंका में कहते हैं कि हजारों स्वर्ण और वज्र से पूरी घायल थे और उसमें लाखों स्त्रियां थी, लाखों स्त्रियों को लाकर रखा था। वो तो पहले सर्वशक्तिमान था ही था, उसके साथ साथ उसने कितने ही स्त्रियों को अपने पास रखकर उसने कार्य किया था। कहते हैं कि जब सीता माई को उठा के लाए तो उन्होंने अपने स्वर्ण की लंका बताते हुए कहा था ये वज्र है, ये वज्र के सोने का पलंग है, हाथी के दांत का पलंग है, वज्र का पलंग है, देख सीता यह कितना ऐश्वर्य। सीता माई तो एकदम निष्ठुर थी, राम की परम भक्ति पतिव्रता थी, उन्होंने देखा ये वर्णन। आप अगर जाकर देखते हैं तो अरण्यकांड में युद्ध कांड में ये बताया है, बताया गया है कि रावण कितना कितने श्रेष्ठ स्वर्ण की नगरी में जीता था। उसके पास उसके राक्षस भी, कहते हैं कि उस जमाने में उसके लंका में 30 करोड़ राक्षस थे और वो सब लोग भी सोने की थाली में खाना खाते थे और खाने के बाद आप जैसा पत्तल बाहर फेंकते थे, खाना खाने के बाद वो समुद्र में सोने की थाली फेंकते थे, उनको रोज नहीं सोने की थाली। अक्षय पात्र था रावण को, जब रावण तपस्या करके बैठ रहा था तो उसने शिव जी के पास गया और उसने कहा कि रावण तुम चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा दरिद्र बन के नहीं लेना चाहता, गरीब बन के नहीं लेना चाहता, असमर्थ बन के नहीं लेना चाहता, मुझे ऐसा वरदान दो मैं जो चाहूंगा वो काम कर सकूं और मैं स्वर्ण के साथ जी सकूं। कहते हैं कि ब्राह्मण को श्राप है कि वो गरीब रहेगा, मैं वैसा नहीं लेना, वो ब्राह्मण था ही नहीं लेना चाहता और मुझे ऐसा देना है तो दो। पहले तो शिव चिंतित थे, बाद में उनको रावण को उतना वो जो चाहता था वो देना ही पड़ा। और अपने आपने देखा है कि रावण ने उस स्वर्ण नगरी को अपने पास रखा और इतना ऐश्वर्य पास लिया। रावण 1,00,000 वर्ष जिया जबकि श्री रामचंद्र 10,000 वर्ष जिए, वो इतना संपन्नवान था, उसके पास उतनी संपत्ति थी। वो यक्ष कुबेर को अपने कंट्रोल में रखा था और कुबेर यक्ष के अधिपति थे, यक्षराज के राजा थे, इसलिए हम कुबेर का मंत्र पढ़ते समय ओम यक्षाय स्वर्णाय विश्वनाय कुबेराय ऐसा पढ़ते हैं। धनधान्याधिपति धनधान्य समृद्धि में दीयता, पैसा इनका मंत्र है, धनधान के समृद्धिमान है कुबेर भगवान, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि हमारे को भी धनधान्य संपन्न करो, ऐसा यक्षराज कुबेर की प्रार्थना करते हैं। उस कुबेर के पास भी सब थे, तो कुबेर के पास शिवजी के पात्र रहे, अक्षय पात्र रहे, पर कोई भी आता था, देवता हो कोई भी, जाकर प्रार्थना तपस्या करता था कुबेर की और उनके पास से धनधान्य मांग कर ले जाता था। लेकिन एक दिन शिवजी के पास जाकर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इन सभी को देख रहा हूँ, ये लोग आते हैं धन लेकर जाते हैं और ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, कोई कर्मवान नहीं, निष्ठावान नहीं है, कोई कर्म नहीं करते, फ्री में धन मिल रहा है तो लेकर बैठ जाते हैं। तब शिव जी ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसा करना है कि जो कर्म करता है उसे धन देने का उपयोग करो। आप ऐसा ही एक नियम बनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो इससे नहीं हो सकता, तो एक बात करो, मैं तुम्हें एक यक्षिणी को देता हूं, उस यक्षिणी का वास कहां है ये भी बताता हूं और उसका नाम धनदाप यक्षिणी रखो। अगर आप आज हम धनदाप का अपभ्रंश ही धंधा हो गया, अरे आप क्या धंधा करते हो बोलते हैं, धंधा का रख क्या हुआ, वो धनदा यक्षिणी ये थी, उसके लिए हम कहते हैं कि तुम्हारा धंधा क्या चल रहा है, धंधा कैसे चल रहा है। जो धंधा का अर्थ होता है कर्म करने वाला, पैसों के लिए कर्म करने वाले को धंधा कहा गया, और जो कर्म करता है वो अगर यक्षिणी साधना करता है तो निश्चित रूप से उसके घर में महालक्ष्मी की स्थापना, यक्षिणी की स्थापना होती है, उसीलिए उसे धंधा यक्षिणी कहा जाता है। धंधा यक्षिणी का, जिनको नौकरी नहीं है, जो व्यापार कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं आता, जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें नहीं मिलता, जिसने इस धंधा यक्षिणी की साधना संपन्न की उसके धन नामे यक्षिणी उसे आशीर्वाद देती ही देती है और आगे बढ़ा दी। इसकी पूजा कुबेर लक्ष्मी के साथ दीपावली के दिन भी करने का विधान, लेकिन मंडला में मैं इसलिए मंडला इस क्षेत्र में मैं इसलिए इस साधना को संपन्न करवा रहा हूँ कि हम वृक्षाश्रित है। आप कभी भी इस साधना को अगर किसी जंगल में नदी के किनारे जाकर धंधा यक्षिणी की साधना संपन्न करते हो तो आप बेकार भी हो, आपके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार धंधा यक्षिणी की साधना निश्चित रूप से करके देखो, आपके जीवन में व्यापार जरूर आएगा, आपके जीवन में पैसा जरूर आएगा, आपके जीवन में
धन का अभाव ना होगा और धन के मार्ग में आपको लगेंगे, आप कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं, आप ही चार लोगों के नौकरी के लिए रह सकते, इतना पैसा आएगा जो धनलक्ष्मी की साधना करता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, धनलक्ष्मी की साधना मैं हर दीपावली को करता हूँ, जिसमें 33 दीपक लगाने होते हैं, सीआर सिंह जी को लगाना होता है और ये उसका जप करता हूँ, और लक्ष्मी को मैं हर पर्स हर एक मेरे जितने भी साधक हैदराबाद में हैं उनको पर्स में रखने के लिए धनलक्ष्मी का यंत्र देता हूँ। आप मेरे हैदराबाद में दीपावली के दिन आकर पूछ लीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा ही होता है। और मेरे लाभ कहते हैं कि गुरु जी आप जब यंत्र देते हैं कि हमारा पर्स अभी खाली नहीं रहता। मैं आपको कहता हूँ ये साधना, मैं बिना अनुभव के कोई साधना नहीं करता, मैं अनुभव के बाद ही साधना करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ तो साधना करता हूँ। मैं इसलिए आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखा, और जिस दिन गुरु कृपा से पुस्तक लिखूंगा जो मेरी पुस्तक की साधना करेंगे वो निश्चित रूप से सिद्ध होगा। मैं बातें बनाने वाली पुस्तकें नहीं लिखता, अगर मैं पुस्तक में लिखता हूं तो वो साधना करने वाला व्यक्ति तो ये कहे कि मैंने ये साधना किया और मुझे सिद्धि मिली। अब मैं भी आपके सामने बैठकर कहता हूं कि अब ये साधना करो, अब निश्चित रूप से साधना सिद्ध होगी। मैं कोई शक्तिपात दीक्षा नहीं देता, शक्तिपात दीक्षा का अर्थ होता है, शक्तिपात का अर्थ होता है साधना करने के लिए शक्ति का शक्ति को प्रदान करने को शक्तिपात दीक्षा कहा गया। आज मैं जिस धनलक्ष्मी की साधना को कह रहा हूँ, ये धनलक्ष्मी का वास जिसे वटलक्ष्मी का वास वट में होता है, तुलसी लक्ष्मी का निर्गुटी के वृक्ष में होता है, चिंचनी वृक्ष लक्ष्मी है, वैसे ही बहुत सारे वृक्षाश्रित लक्ष्मी, हर लक्ष्मी वृक्ष में आश्रित रहती है और उस वृक्ष को जिस वृक्ष को लोहे से काटा जाए उस वृक्ष में लक्ष्मी रहती है। आप किसी भी पेड़ के नीचे चले जाओ, मैं उस लक्ष्मी का मंत्र आपको देने के लिए तैयार हूँ और वो लक्ष्मी आपको सिद्ध होगी। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव हो वो अभाव को पूर्ण कर सकती है। कल हमारे चंद्रमोहन सिंह के बेटे ने मुझे बताया था कि प्रभु यहाँ बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ आते जाते सारे पशु पक्षी बाघ आदि सब मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे कहा एक आश्रम हम यहाँ कहीं जंगल में बनाएंगे, बोले यहाँ नहीं बनता आश्रम, जंगल में नहीं बन सकता क्योंकि गवर्नमेंट की जगह। फिर भी मैं कहता हूँ, मुझे आज भी मैं शाहडोली के अरुण को बहुत बार कह चुका हूँ कि अमरकंटक के जंगलों में हम कभी साधना शिविर बनाएंगे, साधना करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है कि तपस्या वहीं होती है, नदी के किनारे ही होती है और हम सिद्ध वहीं हो सकते हैं। तो यक्षराज कुबेर ने कहा, उन्होंने यक्षिणी को सिद्ध किया और जिसका नाम रखा धनदा। धनदा का अपभ्रंश ही मैं अभी भी कह रहा हूं धंधा हुआ, धंधा का मतलब है हम आज हम अपभ्रंश में उपयोग करते हैं, तुम क्या धंधा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये पूछते हैं, उसका अर्थ है कि उस धनदा यक्षिणी का ही अर्थ है। और धनदा यक्षिणी की साधना जिसने संपन्न की वो एक संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कह रहा है। तो यक्षराज कुबेर ने कहा कि हे यक्षिणी, आज से तेरा नाम धनदा यक्षिणी रख रहा हूँ, मैं यही सभी को फ्री देता था लेकिन तू कर्म करने वाले को जरूर इस साधना में संपन्न करना, जो कर्म करता है उसे इस साधना से संपन्न करवाना, और मैं तुझे ये अधिकार देता हूँ आज से जो भी आएगा मैं कहता हूँ कि धनदा से तुम बात करो, तुम कर्म करो तुम्हारी यक्षिणी मिल जाएगी। तो उसने कहा कि सभी लोगों को चिंचिणी है, उदयक्षिणी है, पिपरक्षिणी है, सभी को दिया, मेरा स्थान कहा है, मेरा मैं कहाँ रह सकती हूँ, मैं कहाँ किस स्थान में किस वृक्ष में मेरा वास है। तो तब धन कुबेर भगवान ने कहा कि तेरा स्थान आज जो आप वीड़ा पान खाते हो उसमें धनदा यक्षिणी का स्थान है, और आप देखते हो जहाँ भी उस पान को हम पूजा करते हैं, चाहे शादी का मुहूर्त हो या चाहे अपना कलश की स्थापना हो, कहीं भी हो उस पान को स्थापना करते हैं जो उस शुभ कहा गया है। इस पानों को कहीं अशुभ स्थान में उपयोग नहीं किया जाता और इसको शुभ कामों में स्थान किया जाता है। तो मैं जो कहता हूँ आज उस पीड़ा के पान के ऊपर छोटा सा चंदन तिलक लगाकर अक्षत लगा दो और धनदा यक्षिणी का की साधना किसी वृक्ष के नीचे जाकर करो, आप देखो 40 दिन के अंदर अंदर आप अगर बेकार हो तो आपको धन का हमार को मिलेगा। आप धन को किस प्रकार कमाओगे इसका ज्ञान आपको प्राप्त हो, आप एक बार करके तो देखो, अगर नहीं हुआ तो मुझे कहना कि नहीं हुआ। और इस धनदा यक्षिणी का यंत्र एक विशेष रूप से कुबेर ने स्वयं शिव से प्रार्थना कर किया था, जिसके घर में जो बेकार है, जो कुछ नहीं कर रहा है, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, पैसा कमा ही नहीं सकता, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर वो उस अपने घर में धनदा यक्षिणी का यंत्र स्थापन करता है और उसका मंत्र करता है नित्य, तो आप देखते रहना अगर वो श्रेष्ठ नहीं हुआ तो मैं यहाँ जय बैठा हूँ, मैं फिर शिविर नहीं करूंगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको। जिस साधना धनदा यक्षिणी की साधना वृक्षाश्रित यक्षिणी की साधना कहलाई गई और उसको
वो पान के वृक्ष को, जैसा पान के वृक्ष के साथ रहा जाता है उसके साथ भी अगर रहा गया तो उसको भी यक्ष के रूप में लिया जाता है। और आज उस यक्षिणी को, धनदा यक्षिणी की साधना को मैं आज इसलिए यहाँ सफर कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नर्मदा नदी का हम किनारे बैठे हुए हैं, उसमें एक घना जंगल है और घने जंगल में यहाँ जैन मंदिर मिश्र का स्थान भी था, जो विशेष विद्वान थे, कहते हैं कि यहाँ एक विशेष पत्ता मिलता है जो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के रूप में, महासरस्वती के जो वृक्ष हैं अगर आप देखते हैं तो आज भी वहाँ उस वृक्ष पर अपनी नहीं देखे हुए जंगल पे गए या नहीं, या फॉरेस्ट सर्विस से सही या नहीं, आज भी उन वृक्षों पर जहाँ उस पर हंस और मोर आके बैठते हैं वो सरस्वती का वृक्ष कहा जाता है। और जो उस सरस्वती के पान पर साधना संपन्न करता है वो विद्यावान ज्ञानवान जरूर होता ही होता है, ऐसे वृक्ष इस जंगल में है। धन्यवाद।